जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 1999 में आई एक चाइनीज फिल्म अनटोल्ड स्टोरी पार्ट 3 के बारे में। दोस्तों, इसके पहले दो पार्ट्स हमारे चैनल पे ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड हैं, तो अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना पे आधारित है, जहां ये इकलौता ऐसा केस था जहां ना कोई एविडेंस था और ना कोई गवाह। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम यिन होता है। यिन भागते हुए पुलिस स्टेशन में आती है, जहां पे उसे दो पुलिस वाले अटेंड करते हैं। वो उन्हें बताती है कि कई दिनों से उसका भाई घर पे नहीं आया है और उसे लगता है कि शायद उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि उसे गायब हुए कितने दिन हो गए हैं, तो वो उन्हें बताती है कि 2 दिन से उसका कॉल नहीं आया है और वो हर रात को काम के बाद उसे कॉल किया करता था। वो उन्हें उसकी फोटो भी दिखाती है और उनसे कहती है कि ये उसका भाई है। वो दोनों जब उसकी फोटो देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो एक ग्रोन मैन है। वो दोनों उसकी रिपोर्ट नहीं लिखते और उससे कहते हैं कि उसका भाई जरूर कहीं भाग गया होगा, तो वो चिंता ना करे, वो जल्दी वापस आ जाएगा। उसके बाद हम उसी शहर में चार दोस्तों को देखते हैं, जिनका नाम मान, यंग, चांग और गाम था। ये चारों बहुत ही डरे हुए थे और वहां पे रहने की जगह ढूंढ रहे थे। रात को यंग जब सो रही होती है तो उसे उसके भाई का सपना आता है, जहां वो उससे कहता है कि वो उसके दोस्त मान को सर्च करे। ये सपना देख के उसकी बहन जग जाती है और तुरंत पुलिस स्टेशन जाती है। वो उन पुलिस वालों को बताती है कि उसके सपने में उसका भाई आया था, जिसने उसके दोस्त मान के बारे में जिक्र किया था, तो वो उसे ढूंढने। ये सुनके वो पुलिस वाले उसे वहां से भगा देते हैं और उससे कहते हैं कि सपनों पे वो विश्वास ना करे। इधर वो चारों बंदे शहर में घूम के नई जगह रहने की तलाश कर रहे थे। उनमें से एक मैन था जो कि यिन के भाई का दोस्त था, और वो चारों यहाँ से क्यों भाग रहे थे वो आपको आगे पता चलेगा। यिन जब घर वापस आती है तो उसका पिता उसे डांटता है और उससे कहता है कि उसे लगता है कि उसका भाई उन्हें छोड़ के चला गया है। यिन अपने पिता को शांत कराती है और उनसे कहती है कि उसका भाई इतना कायर नहीं है, वो अपनी जिम्मेदारियां जानता है और वो उन्हें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। तभी यिन के दिमाग में एक आइडिया आता है जिससे पुलिस उसकी बात सुन सकती थी। वो शाम को पुलिस स्टेशन जाती है और वो पुलिस वाले उसे रिसीव करते हैं। वो उन्हें बताती है कि उसका भाई किडनैप हो गया है और आज उसे किडनैपर का फोन आया था जो कि उससे बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा था। ये सुनके वो उसका केस ले लेते हैं, और तभी वहां पे एक बड़ा ऑफिसर आता है जिसके सामने ये हाथ फैलाती है। वो ऑफिसर उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, उसके भाई को वो लोग ढूंढ लेंगे, और वो इनको अपनी एक टीम के पास भेजता है जो कि उसका केस सुनते हैं। इन्होंने बताती है कि उसका भाई किडनैप हो गया है और वो लोग उसकी तलाश करें, लेकिन किसी को भी उसकी बात पे विश्वास नहीं हो रहा होता क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि शायद वो झूठ बोल रही है। तभी वहां पे हेड इंस्पेक्टर ली आता है जो कि उसकी बात सुनके उसका केस लेने के लिए राजी हो जाता है। वो अपनी टीम से कहता है कि अगर ये औरत झूठ बोल रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बात पक्की है कि ये अपने भाई के लिए बहुत ज्यादा चिंतित है, तो वो लोग इस केस की छानबीन करें और पता करें कि आखिर उसका भाई कहाँ पे गायब है। वो लोग यिन पे नजर रखने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं, और यिन ये बात जानती थी कि वो लोग उस पर नजर रख रहे हैं, इसीलिए वो एक बैग लेके सड़क पे निकल जाती है और किसी के इंतजार करने का बहाना बनाती है। तभी उसके पास दो सेल्समैन आते हैं जो कि साबुन बेचने आए थे, और यिन ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो ही किडनैपर्स हैं और वो उनका बैग छीन रहे हैं। ये देख के पुलिस उन पे हमला कर देती है और उन दोनों को पकड़ लेती है, लेकिन छानबीन के बाद उन्हें पता चलता है कि वो दोनों मासूम थे। वो लोग यिन की बात मान लेते हैं और उसके घर में जाते हैं उसके भाई के कमरे की तलाशी लेने के लिए। का पिता बहुत ही खड़ूस होता है जो कि उन सबको वहां से भगाने के लिए कहता है, लेकिन तभी इंस्पेक्टर ली उससे कहता है कि वो उसके गांव का है, और ये सुनकर उसका पिता उसको बैठाता है और उसके साथ चाय पीने लगता है। वो अपनी टीम को यिन के साथ मो के कमरे में भेजता है छानबीन करने के लिए, और वहां पे उन्हें बेड के नीचे मो की एक डायरी मिलती है जिसमें उसने कई सारे लोगों के नाम लिखे हुए थे और उसके आगे ये लिखा था कि उन सबसे उसे कितने पैसे लेने हैं। यिन बताती है कि उसका भाई एक बहुत ही अच्छा इंसान है और वो शहर में एक कपड़े की दुकान चलाता था। उनके पिता उसे बार बार दारू पी के मारा करते थे, लेकिन आज तक उसने उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। इंस्पेक्टर ली के टीम मेंबर्स बाहर आते हैं और उसे वो डायरी थमाते हैं, जिसे देख के इंस्पेक्टर समझ जाता है कि उनका बेटा लोगों को उधार दिया करता था। अगले दिन वो उन सभी लोगों को बुलाते हैं पूछताछ करने के लिए जिसने भी मुंह से उधार पैसे लिए थे, लेकिन तभी वहां पे मैन आता है जिसके बारे में यिन जिक्र कर रही थी। इंस्पेक्टर मैन से पूछता है कि उसने मुंह से पैसे क्यों लिए थे, तो मैन उसे बताता है कि उसने अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए उससे पैसे लिए थे। इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि आखिरी बार वो उसे कब मिला था, तो मैन उससे कहता है कि आखिरी बार वो उसे तब मिला था जब उन्होंने उसे मार डाला था। ये सुनकर इंस्पेक्टर हैरान हो जाता है और सभी लोगों को वहां से भगा देता है। वो सभी इंस्पेक्टर मैन को पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या सच में उसने मो को मारा है, तो मैन उन्हें बताता है कि हाँ, अब मो मर चुका है और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ही उसे मारा है। तभी इंस्पेक्टर ली वहां पे आते हैं और मैन से पूछताछ करते हैं। वो उससे उसके बाकी दोस्तों के नाम पूछते हैं तो वो उन्हें उनके नाम बता देता है। तभी मैन को एक मैसेज आता है तो वो उसका मैसेज देख लेते हैं और उसके बाद वो उस लोकेशन
स्टेशन पे पहुंचते हैं बाकी लोगों को पकड़ने के लिए। यंग और चेंग जब अपनी बिल्डिंग में पहुंचते हैं तो वो इंस्पेक्टर को देख के वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वो दोनों उनके द्वारा पकड़े जाते हैं। लेकिन गांव जब टैक्सी से आ रहा होता है तो वो उन्हें देख के वहां से भाग निकलता है। वो लोग चेंग और यंग को पुलिस स्टेशन लाते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। वो दोनों ने बताते हैं कि उन दोनों ने भी मुंह से पैसे लिए थे और वो ऐसा बंदा था जो कि उन्हें पैसे देने से इनकार नहीं करता था। अगले दिन जब उनसे पूछताछ होती है तो वो लोग उन्हें अपनी कहानी बताते हैं। वो चारों एक कंपनी में काम किया करते थे और वो प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग करते थे। उनकी बॉस उन्हें हमेशा डांटा करती थी क्योंकि वो लोग सही से काम नहीं करते थे। उनकी कंपनी के बाहर मो की कपड़ों की दुकान थी और मैंने एक दिन उसके पास गया और उससे पूछा कि आखिर वो कितने पैसे कमा लेता है। उन्होंने उसे बताया कि वो कपड़े बेच के काफी अच्छे पैसे कमाता है और उसके सारे पैसे बैंक में जमा है। ये सुन के मान ने उससे कहा कि वो इतने सारे पैसे जमा करके क्या करेगा। उसके दिमाग में एक अच्छा आइडिया है जिससे वो बहुत ही ज्यादा मालामाल हो सकता है। क्यों ना वो अपने पैसों को लोन पे देना स्टार्ट कर दे और महीने के अंत में वो सबसे पैसे वसूल ले, वो भी इंटरेस्ट के साथ, जिससे कि वो ज्यादा पैसे कमा पाएगा और वो अमीर बन जाएगा। मो काफी भूला था और वो उसकी चाल नहीं समझ पाया, इसीलिए उसने उसकी बात मान ली और उससे कहा कि लेकिन उससे पैसे उधार कौन लेगा। मान ने उससे कहा कि सबसे पहले वो ही उसका क्लाइंट बन रहा है। उसने उससे पैसे लिए और उन पैसों से अपने दोस्तों के साथ अय्याशी करी। रात को वो लोग बार में गए और वहां पे उन पैसों से एंजॉय किया। उसके दोस्तों ने उससे पूछा कि आखिर उसके पास इतने पैसे कहां से आए, तो मान ने उन्हें मो के बारे में बताया और उनसे कहा कि वो सब भी उससे पैसे उधार ले सकते हैं। अगले दिन मान अपने दोस्त यंग को मो के पास ले गया और उससे कहा कि ये उसका दूसरा क्लाइंट है तो वो इसे भी पैसे दे दे। मो उसे अपना अच्छा दोस्त मानता था, इसीलिए वो पैसे देने के लिए राजी हो गया। वो उन्हें एटीएम मशीन तक ले गया और उनके सामने उसने पैसे निकाले और उन लोगों ने उसका पिन भी नोटिस कर लिया था। उन पैसों से उन्होंने बहुत दिनों तक मस्ती करी और जब उनके पास पैसे खत्म हो गए तो वो फिर से मो के पास पहुंचे। वो जब उनके पास आया तो उसने अपने पैसे वापस मांगे तो उन्होंने कहा कि वो उन्हें और टाइम दे, वो लोग उसके पैसे लौटा देंगे। सुनके मो को गुस्सा आया और वो उन पे भड़कने लगा। उसने उन्हें बताया कि कोई भी उसके पैसे देने को राजी नहीं है, वो बहुत जल्द एक गन का इंतजाम करने वाला है जिससे डरा धमका के वो लोगों से पैसे वापस ले सके। ये सुन के मैन और यंग बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि पैसे पाने के लिए मो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला हो गया था। एक दिन मो उनके पास अपनी कार लेके आया और उन्हें कार में बैठाया। उन्होंने मो से पूछा कि आखिर ये कार किसकी है, तो उसने बताया कि ये क्लाइंट उसके पैसे नहीं दे रहा था इसीलिए वो उसकी कार जब्त करके ले आया है। तभी मो उन्हें अपनी एक गन दिखाता है और उनसे पूछता है कि वो दोनों उसे कब पैसे देंगे। वो गन देख के वो दोनों डर आते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर वो क्या कर रहा है। उसने उन्हें बताया कि ये नकली गन है लोगों को डराने के लिए और वो लोग चिंता ना करें, वो उसके दोस्त हैं तो वो उसे कभी भी पैसे वापस दे दें। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहां इंस्पेक्टर ली अपने टीम से कहते हैं कि वो उस जगह पे जाएं जहां पे उसका मर्डर हुआ था और वहां पे उन्हें जो भी सबूत मिले वो उसे इकट्ठा करके ले आए। उनकी टीम उस अपार्टमेंट में जाती है और वहां पे छानबीन करना शुरू करती है, लेकिन उन्हें वहां पे कोई भी फिजिकल एविडेंस नहीं मिलता जिससे कि ये साबित हो सके कि उसी अपार्टमेंट में वो मर्डर हुआ है। इंस्पेक्टर ली को वहां पे उन तीनों के बिजली के बिल दिखते हैं और वो देखते हैं कि हर महीना वो बिल काफी बढ़ रहा था। उसके बाद वो सभी गार्बेज एरिया में जाते हैं मो की बॉडी की तलाश करने के लिए क्योंकि उन लोगों ने मो की बॉडी को वहीं पे काट के फेंक दिया था। वो लोग देखते हैं कि वहां पे ढेर सारा गार्बेज है जिसके अंदर बॉडी को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और वहां के वर्कर्स भी उन्हें कोऑपरेट करने से मना कर देते हैं। इंस्पेक्टर ली और उसकी टीम इस केस की छानबीन करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, लेकिन उनके पास अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला था जिससे कि ये साबित हो सके कि वो मर्डर उन लोगों ने किया है। उनके पास ना कोई प्रूफ था और ना ही कोई विटनेस। इंस्पेक्टर ली उन तीनों को अपने सामने बुलाता है और उनसे कहता है कि अब उन तीनों की रिकॉर्डिंग होने वाली है और वो रिकॉर्डिंग सीधा जज के पास जाएगी जो कि डिसाइड करेंगे कि उनके साथ क्या किया जाएगा। तो उन्होंने जो भी क्राइम किया है वो वहां पे बिल्कुल सच कहानी बताएं, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी कहानी बदली तो वो लोग उन्हें बुरी तरह पीटेंगे। मैन याद करता है कि उन चारों का काम में मन नहीं लग रहा था क्योंकि मुंह के पैसे वो लोग खा के बैठे थे और उन्हें अपनी जान की चिंता हो रही थी। मैन को लग रहा था कि अगर उन्होंने उसके पैसे नहीं लौटाए तो वो उन्हें मार डालेगा। डर के कारण काम पे वो अजीब सी चीजें हेलुसिनेट करने लगा था और अपार्टमेंट में भी वो पागलों की तरह बर्ताव करता था। वो तीनों उसे समझाते थे लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं समझ रहा था क्योंकि उसे मो का बहुत ज्यादा खौफ था। यंग भी मो को हेलुसिनेट करने लगा था और वो पूरी तरह पागल हो गया था। एक दिन जब वो लोग सबवे से जा रहे थे तो उन्होंने अपने दोस्त चेंग को बुरी तरह पीटा क्योंकि वो लोग उसे मो समझ रहे थे और एक आरी से वो लोग उसे काटने वाले थे। तभी गांव ने उन्हें झटका और वो होश में आ गए। उसने बताया कि ये मो नहीं बल्कि उनका दोस्त चेंग है। प्रेजेंट में इंस्पेक्टर ली उन सबको अलग अलग करके रिकॉर्डिंग रूम्स में बैठा देते हैं और उसके बाद वो लोग उनकी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं जहां पे वो अपना बयान देते हैं। मैन बताता है कि वो चारों पूरी तरह पागल हो गए थे और उन्हें हर जगह मो याद आता था क्योंकि वो उनके पैसे वसूल करने के लिए उन्हें मार भी सकता था। एक दिन जब वो अपार्टमेंट में बैठे थे तो उन्होंने फैसला किया कि वो लोग मो को बुलाएंगे और उसे जान से मार डालेंगे क्योंकि अगर वो मर गया तो उनका कर्ज भी खत्म हो जाएगा। उन लोगों ने प्लान किया कि वो लोग उसे कैसे मारेंगे और उसके बाद घंटों तक उसकी प्रैक्टिस भी करी।
अगले दिन पुलिस उन तीनों को उनके कमरे में ले जाती है और उनसे कहती है कि वो क्राइम सीन को दोबारा रिक्रिएट करें। वो लोग उनके सामने एक्टिंग करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्होंने मो को कैसे मारा था। दोस्तों उस रात मान मो को अपने कमरे में लेकर आया था और उसे कहा था कि वो उसे क्लाइंट से मिलवाने वाला है। मो जब वहां पे आया तो उसे शक हो गया कि शायद वो लोग उसके साथ कुछ गलत करेंगे, लेकिन मान ने उसे कमरे के अंदर धक्का दे दिया और वो लोग उसे पीटने लगे। उन लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश करी लेकिन मो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था जिसने उन चारों को पीट के जख्मी कर दिया। तभी यंग एक तार उठा के लाया और उससे उसका गला दबा के उन लोगों ने उसे मार डाला। उसे मारने के बाद उन लोगों ने सोचा कि आखिर उन लोगों ने ये क्या कर दिया। अपना माइंड फ्रेश करने के लिए वो लोग बाहर गए और मो के एटीएम से ढेर सारे पैसे निकाले और चार हिस्से में डिवाइड कर दिए। उसके बाद वो एक कैसीनो में गए और वहां पे गेम खेला और फिर उन्होंने प्लान बनाया कि आखिर वो उसकी बॉडी के साथ क्या करेंगे। वो लोग जब वापस घर में आए तो आरी से उन लोगों ने उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और उसके बाद उसे एक बॉक्स में बंद करके गार्बेज में डंप कर दिया। उन्होंने उसकी बॉडी को गार्बेज में डंप कर दिया ताकि किसी को कुछ पता ना चल सके। उसके बाद पुलिस उन्हें उस गार्बेज एरिया में लेकर आती है और उनसे पूछती है कि आखिर उन्होंने उसकी बॉडी को कहां पे डंप किया था। मान बताता है कि उसने सामने वाले डस्टबिन में ही उसे डाल दिया था और उसके बाद उसकी बॉडी कहां गई उन्हें कुछ नहीं पता। इधर गांव पुलिस स्टेशन पहुंचता है अपने आप को सरेंडर करने के लिए और वो पुलिस वालों को बताता है कि वो मान का दोस्त है और वो भी एक मर्डरर है। वो लोग उसे भी गिरफ्तार कर लेते हैं और उससे कुछ पूछताछ करते हैं और वो भी वही सेम कहानी बताता है जिससे उन्हें पता चलता है कि वो बिल्कुल सच कह रहा है। इंस्पेक्टर ली उस केस की फाइल को लेकर कमिश्नर के पास जाता है और उससे कहता है कि वो तुरंत इस फाइल को कोर्ट में पेश करे क्योंकि इन्हें सजा मिलनी चाहिए। कमिश्नर उसे ताने मारता है और उससे कहता है कि उसने इस केस में ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं करी है। अगर उसने ढंग से इन्वेस्टिगेशन करी होती तो उसे अब तक सबूत मिल गया होता। इस उनके इंस्पेक्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो कमिश्नर को बुरी तरह डांटता है। वो उसे कहता है कि वो सिर्फ ऑफिस में बैठ के ऑर्डर्स देता है तो उसे नहीं पता कि वो लोग फील्ड में कितना काम करते हैं, इसीलिए वो अपनी राय अपने पास रखे और भाड़ में जाए। कुछ दिनों बाद कोर्ट में उन चारों की पेशी होती है और उनके केस में ना तो कोई सबूत था और ना ही कोई विटनेस, इसीलिए जज उन्हें 25 साल के कारावास की सजा सुनाता है। वो चारों ही सजा सुन के रोने लगते हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जो कि सच्ची घटना पे आधारित थी। दोस्तों ये केस सच में घटा था जहाँ पे ना कोई बॉडी मिली थी और ना ही कोई सबूत मिला था जिसे ये साबित हो सके कि ये मर्डर उन चारों ने ही किया है। वो चारों चाहते तो अपने आप को बचा भी सकते थे लेकिन उन चारों ने सच्चाई बताई क्योंकि वो लोग इस गिल्टी में थे कि उन्होंने मो को क्यों मारा। दोस्तों अगर कोई इंसान बहुत गलत काम करता है तो उसे बहुत ज्यादा पछतावा भी होता है और यही पछतावा उन चारों को भी हुआ था मो को मारने के बाद, इसीलिए उन्होंने पुलिस को सब कुछ सच बताया बिना कुछ झूठ बोले। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।